Yeah. प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री एवं विज्ञान व तकनीक मंत्रालय के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सोमवार को देश के विद्यार्थी वर्ग के लिए भारत की पहली वर्चुअल साइंस लैब का उद्घाटन किया। CSIR जिज्ञासा प्रोग्राम के तहत बच्चों के लिए शुरू की गई ये वर्चुअल साइंस लैब स्कूली विद्यार्थियों को देश भर के वैज्ञानिकों से रूबरू होने का सुअवसर प्रदान करेगी। वर्चुअल साइंस लैब के शुरू होने से केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और अन्य सरकारी स्कूलों के 6ठी से 8वीं तक के विद्यार्थियों को सीधा लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल जिज्ञासा कार्यक्रम के तहत वैज्ञानिकों व विद्यार्थियों को जोड़ने के CSIR सोसाइटी के प्रयास की सराहना करते हुए वर्चुअल लैब्स विकसित करने पर बल दिया था। My name is Rachi Sangra. I am currently studying in Kendriya Vidyalaya Bantalab, Jammu. I am in 11th grade and my stream is non-medical. Jigyasa, as previously has said, helped me in... At the stage at which I joined the program, I didn't really have enough of a background in science because I had just finished my 10th grade, and a lot of things that were expected of me from the PhD students that I was working with, they kind of expected me to know a little bit more, and that made their life really difficult to guide me because I didn't know enough to be able to do what I wanted to. And so maybe if the students that are taken in are told how much they need to know before coming in, or if it could be like an age divided thing, maybe that would help. So I think that's an important suggestion. If you could actually categorize it according to the age groups also. Anyway, thank you very much. If of course, if you had a scientific background, then of course you would be at a slightly an advantage. But I think one of the objectives of this is that even if you don't have a scientific background, to make you realize your scientific temperament or scientific aptitude. जिसके बाद CSIR ने IIT बॉम्बे के साथ मिलकर ये वर्चुअल लैब तैयार की। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वर्चुअल लैब का उद्घाटन करते हुए कहा कि शुरुआत में इसके सारे कंटेंट अंग्रेजी में होंगे, लेकिन बहुत जल्द इसे हिंदी व अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी शुरू किया जाएगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि 2017 में जिज्ञासा प्रोग्राम शुरू हुआ था और अब तक सफलतापूर्वक 3,00,000 विद्यार्थियों को 5,000 से अधिक शिक्षकों के साथ जोड़ा गया और इन विद्यार्थियों को CSIR लैब्स का दौरा करने का अवसर भी प्राप्त हुआ। वर्चुअल साइंस लैब के उद्घाटन अवसर पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर समेत देश के विभिन्न हिस्सों से ऑनलाइन जुड़े विद्यार्थियों से बातचीत भी की और उनसे इस सुविधा का लाभ उठाने की अपील की। मैं ये चाहता हूँ कि सर इसमें हम सर और इनोवेट ये कर सकते हैं कि हम सर हम ऐसी सर होलोग्राफिक सर वो ला सकते हैं सर वेबिनार्स में, जिससे कि हमें लगे कि जो साइंटिस्ट हैं वो हमारे एकदम सामने हैं और वो हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं। सर हम ऐसी होलोग्राफिक भी ला सकते हैं। तो ऐसा कर सकते हैं, also inspired as well as by some views over there. ठीक है विनायक, बहुत अच्छा आपने सुझाव दिया है। तो कोई ऐसा बड़ा वेबिनार होगा जहाँ पे बड़ा विख्यात वैज्ञानिक हो, who also are working on a group working on global warming, climate research, उसमें आपको हम जोड़ लेंगे।